कपड़े बेचने के बहाने घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में सक्ती जिले की डबरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी का माल खरीदने वाले तीन सराफा कारोबारी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं। सभी के खिलाफ पुलिस द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है। सक्ती जिले की फगुराम चौकी की पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में अहम सफलता पाई है। आरोपी कपड़ा बेचने के बहाने घरों की रेकी किया करते थे, फिर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ग्राम सेरो निवासी सुरेंद्र पाल ने अपने घर में चोरी होने की शिकायत पुलिस से की थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपियों की तस्वीर पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उनकी पहचान सोयल खान और प्रदीप बेहरा के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान उन्होंने ग्राम किरारी छूछू भाता और सेरो स्थित सूने मकान में लोहे की रॉड से ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने और नकदी रकम की चोरी करने की बात कबूली। आरोपियों ने चोरी के माल को तीन सराफा कारोबारियों को बेच दिया था। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का सारा माल बरामद कर लिया है। इसकी सूचना पर से दो चोरों सोहेल खान और प्रदीप बेहरा को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 21/7/23 को किरारी एवं धुधू भाटा वह 28/7/23 को सिरों में ताला तोड़कर नकदी रकम व सोने चांदी की जेवरात लेना स्वीकार किया, जिन्हें कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके कब्जे से 29 टन सोने के लाकेट, चांदी की गिलास, चांदी की थाली, पायल, अंगूठी एवं अत्यधिक मात्रा में नकदी जब्त किया गया। इसमें जो चोरी करके इनके द्वारा जबरा पत्थल गांव एवं आसपास के दुकानदारों को जो चोरी की सोने चांदी के जेवर बेचे गए थे उनके पास से बरामद कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा। शातिर चोरों के पकड़े जाने से पुलिस के साथ ही आम जनता ने भी राहत की सांस ली है। पुलिस को उम्मीद है कि चोरी की घटनाओं पर काफी हद तक विराम लग जाएगा। बहरहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सख्ती से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।